सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू केसरी नाम दौरे का आज आखिरी दिन। आज लाल रुख म्यूजियम और आर्य देवकर मंदिर जाएंगी सदर जमहूरिया। वजारत खारिजा ने कहा, सदर के दौरे के सबब दोनों ममालिक के ताल्लुकात में आई नई तवानाई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जर्मनी के वजीर दिफा के साथ करेंगे दो फरीकी बातचीत। चार दिन के भारत दौरे पर पहुंचे बोरिस पिस्टोरियस के साथ दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में तआवुन बढ़ाने पर होगी बातचीत। G20 के इंटरनेशनल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गोवा में। बैनल अक्वामी माली ढांचे में सुधार और आलमी मईशत से वाबस्ता सभी पहलुओं पर होगी बातचीत। हैदराबाद में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन एंड सॉल्यूशन पर फोकस। आज भारत बायोटेक प्लान और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे नुमाइंदे। मुंबई में आज से शुरू होगी रिजर्व बैंक की माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग। अहम शरह सूद में बदलाव पर हो सकती है बातचीत। 9 जून को होगा ऐलान। जूनियर निशानेबाजी आलमी कप में भारतीय निशानेबाजों की शानदार कारकर्दगी जारी। धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल मुकाबले में साधा गोल्ड मेडल पर निशाना। मिक्स्ड टीम इवेंट में हरमिहर सिंह और संजना सूद ने जीता कांस्य का तमगा। फ्रेंच ओपन में आज से शुरू होगी क्वार्टर फाइनल की जंग। नोवाक जोकोविच और क्रीम हचानोव होंगे मध्य मुकाबल। दूसरी तरफ तेज पास के सामने होगा टॉप सीट का कालोरिस एलक्रास का चैलेंज। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का सूरीनाम का 3 रोजा दौरा आज इख्तिताम पजीर होगा। आज सदर जमहूरिया लाल रुख म्यूजियम, आर्य देवकर मंदिर और विष्णु मंदिर का दौरा करेंगी। इसके बाद 1902 के गैलन हेल्डन की यादगार पर एक तकरीब का इनकाद किया जाएगा। सदर को आज सूरीनाम में एक कम्युनिटी इस्तकबालिया भी दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने सफर के अगले मरहले के लिए बलग्राद रवाना होंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी के साथ दो तरफा वफूद सतह की बातचीत की। पैरामारिबो में दोनों ममालिक के दरमियान सेहत और ज़राअत के शोबों में 3 मफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए गए। इनमें साल 2023 से 2027 के दौरान ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों में तआवुन के लिए मुश्तरका एक्शन प्लान शामिल है। इसमें भारतीय फार्माकोपिया मेयारात को तस्लीम करने और तिब्बी मसनूआत के रेगुलेशन के शोबे में तआवुन के लिए सूरीनाम की वजारत सेहत के साथ मुफाहमत नामे भी शामिल हैं। सूरीनाम के 3 रोजा दौरे पर पहुँचने वाली सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का सूरीनाम के सदर चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने इस्तकबाल किया। भारत और सूरीनाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात की अलामत के तौर पर सूरीनाम के सदर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के आला तरीन शहरी एजाज दी ग्रेट ऑर्डर ऑफ दी चीन ऑफ येलो स्टार पेश किया। सदर जमहूरिया को यह एजाज हासिल करने वाली चौथी शख्सियत हैं। आला तरीन एजाज को कबूल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि यह अवार्ड 140 करोड़ भारतीयों और 6.5 लाख सूरीनामियों के दरमियान एक दूसरे के तय प्यार और मोहब्बत का एतराफ है।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सुरीनाम के दौरे को कामयाब करार देते हुए वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक के सदूर ने दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और इस दौरान सियासी इक्तसादी और समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया। वजारत खारजा के सेक्रेटरी सौरभ कुमार ने कहा कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुरीनाम के अपने दौरे के दौरान कुछ बड़े ऐलान किए हैं जो आने वाले दिनों में भारत और सुरीनाम के ताल्लुकात में नई तवानाई भरने का काम करेंगे और दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। इन ऐलानात में दिफाई शोबे में तआवुन के लिए एक भारतीय वफद का सुरीनाम का दौरा भी शामिल है। द टू प्रेसिडेंट्स रिव्यूड बायलैटरल रिलेशंस इन ऑल फील्ड्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, ट्रेड एंड इकोनॉमिक, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड पीपल टू पीपल टाइज। Specific areas of cooperation such as ICT, agriculture, defense, health and pharmaceuticals, and Ayurveda were discussed. Both expressed the desire to give greater content to the traditional warm and friendly ties between the two countries. जर्मन वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस भारत के चार रोजा दौरे पर नई दिल्ली में हैं। उनके आज भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ दो तरफा बातचीत होगी। सनअती तआवुन पर तवज्जो के साथ दो तरफा दिफाई तआवुन के कई उमूर ज़ेर बहस आने का इम्कान है। राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात के अलावा जर्मन वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम के दौरान कुछ दिफाई स्टार्टअप से भी मुलाकात करेंगे। कल जर्मनी के वजीर दिफा मुंबई का दौरा करेंगे जहां वो वेस्टर्न नेवल कमांड और मचका वाइंडिक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर का भी दौरा करेंगे। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मरकज की क्यादत की वजह से जम्मू कश्मीर में खुशगवार तब्दीलियां आई हैं। वजीर आजम मोदी की क्यादत में पंचायतों के कामयाब इंतखाबात हुए हैं जबकि 70 साल के बाद पहली बार रियासत में जिला पंचायत के इंतखाबात हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज रियासत में तरक्की और अमन की बहाली है। ऐसे में श्री अमरनाथ जी की यात्रा 2 माह तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में तकरीबन 2.25 करोड़ सहिया आए हैं जबकि 50,000 से जायद यात्री रोजाना वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मरकजी वजीर ने बाबा बर्फानी के दर्शन में अकीदतमंदों के रिकॉर्ड तादाद में पहुंचने की उम्मीद जाहिर की है। तीसरी G20 बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचा वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आज से गोवा में शुरू हो रही है। मीटिंग में शिरकत के लिए G20 मेंबरान मधु ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 100 मंदुमीन गोवा पहुंच चुके हैं। इस अहम इजलास में मालियाती तहफ्फुज़ के नेटवर्क को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। इसके अलावा आलमी कर्जों से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। मुश्तरका आलमी चैलेंजेस के हल पर भी बातचीत होगी। हैदराबाद में G20 इजलास के तहत हेल्थ वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास का आज तीसरा दिन है। मीटिंग के दौरान डिजिटल हेल्थ इनोवेशन के हल पर तवज्जो दी गई। इसके साथ ही आज नुमाइंदा वफ्द भारत बायोटेक प्लांट और ICMR एनिमल रिसोर्स इंस्टीट्यूट का दौरा करेगा। इससे पहले कल डॉक्टर वी के पाल मेंबर नीति आयोग ने अपने खिताब में डिजिटल हेल्थ इनोवेशन और हल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए इस्तेमाल सबके लिए सेहत की सहूलियात को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वाराणसी के 32 साल पुराने मशहूर उदेश राय कत्ल मामले में MPLLA की खसूसी अदालत ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद और 1,20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुख्तार को मजीद 6 माह कैद में रहना पड़ेगा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ओडिशा के बालासोर में जाए हादसे पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम मुकम्मल हो गया है। कल रात से अब तक 50-60 ट्रेनें ट्रैक की मरम्मत के बाद गुजर चुकी हैं और हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। कल रात में अफेक्टेड एरिया को रिस्टोर किया गया, उसके बाद से करीब करीब 50-60 ट्रेन अफेक्टेड एरिया से गुजर चुकी हैं।
रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 रोजा मीटिंग आज मुंबई में शुरू हो रही है। 2 माही मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान जुमेरात 8 जून को किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास खुर्दा करेंसी की इफ़ाती ज़र 4.7% पर आने के पस मंजर में हो रहा है। महंगाई 18 माह के बाद 5% से नीचे आ गई है। माहिरीन के मुताबिक रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी अहम शरह सूद की मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रख सकती है ताकि महंगाई में कमी का रुझान बरकरार रहे। रवा माह महंगाई में मजीद कमी मुतवक्के है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की पिछली मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखकर शरह सूद में इजाफा रोक दिया था। 2000 रुपये के नोटों को चलन से निकालने के ऐलान के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यह पहली मीटिंग है। माहिर इक्तिसादियात और CLSA इंडिया के रिसर्च हेड इंद्र अनिल सेन गुप्ता ने भारत की मईशत की मजबूती की तारीफ की और कहा कि हाल ही में भारत की इक्तिसादी तरक्की के आदाद शुमार हमारी तवक्कात से बढ़ गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की ताकत यह है कि भारत दुनिया की मईशतों में मुश्किलात के दरमियान भी इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। एक्सेल के बानी पार्टनर प्रशांत प्रकाश ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में तैयार किए गए इस बेहतरीन स्टार्टअप पावर माहौलियाती निज़ाम का सेहरा हुकूमत की पॉलिसियों को जाता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पीर को आसाम में नागांव बाईपास तेलगांव और तेलगांव रंगागिरा के दरमियान 4 लेन वाले स्ट्रेच का इफ्तिताह किया। उन्होंने आसाम में मंगल द बाईपास और डुबुका परखवा के दरमियान 4 लेन वाले हिस्से का संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद थे। 1450 करोड़ रुपये की ये 4 प्रोजेक्ट रियासत के सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएगा। मुल्क में मानसून को लेकर सूरत हाल अभी वाजह नहीं है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 2 रोज़ में मानसून के हवाले से सूरत हाल वाजह हो जाएगी और वह सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। वजारत तालीम ने इस साल नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF जारी कर दिया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास मुसलसल 5वें बरस मजमूई ज़ुमरे में सरफहरिस्त है। यूनिवर्सिटी के ज़ुमरे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु पहले मकाम पर है। वजारत तालीम ने इस साल 12 ज़ुमरों में NIRF की दर्जाबंदी जारी की है। इसमें मजमूई तौर पर यूनिवर्सिटियाँ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेजेस, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ एंड डेंटल तहकीकी इदारों के अलावा ज़रात और इससे मुंसलिक शोबे, फन तामीर और मनसूबाबंदी के अदारे शामिल हैं। इस साल NIRF ने ज़रात और इससे मुंसलिक शोबों का एक नया मौजू शामिल किया है। नीज आर्किटेक्चर डिसिप्लिन का नाम बदलकर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया गया है। मजमूई तौर पर ज़ुमरे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास पहले नंबर पर है। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT दिल्ली तीसरे नंबर पर है। यूनिवर्सिटी के ज़ुमरे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलोर पहले नंबर पर है जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU नई दिल्ली और जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली तीसरे नंबर पर है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक कुकिंग पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें बर्की आलात बनाने वाले अदारों के नुमाइंदों और माहरीन ने शिरकत की। बिजली की वजारत का मकसद 2030 तक हर घर में इलेक्ट्रिक कुकिंग को मुमकिन बनाना है। 2030 के हदफ को हासिल करने के लिए पहले शहरी इलाकों और कस्बों का अहाता किया जाएगा, फिर दही इलाकों को इलेक्ट्रिक कुकिंग टेक्नोलॉजी के दायरे में लाया जाएगा। माहिरीन का ख्याल है कि 2030 तक मुकम्मल तौर पर रवायती खाना पकाने को इलेक्ट्रिक कुकिंग में तब्दील करने से माहौलियाती तहफ्फुज़ के साथ साथ सारिफ और कंपनी दोनों को फ़ायदा होगा।
कहती हैं कि अगर पुख्ता अज़्म कर लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। बिहार के एक नौजवान ने इसी कहावत को सच साबित करते हुए रियासत के दरगामी दही इलाके में न सिर्फ अपने लिए रोज़गार का मौका पैदा किया बल्कि उनके ज़रिए शुरू किए गए स्टार्टअप से आसपास के लोगों को भी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया मिल गया। तो इससे बढ़ावा बनेगा और जो हमारा जो किचन का जहाँ पे कुकिंग होगा या खाना बने। परखंड नक्सली मुतासरा इलाका माना जाता है। झारखंड के बॉर्डर से मुंसलिक ये इलाका बहुत सी बुनियादी जरूरियात से नावाकिफ है। ये गांव पहाड़ के दामन में आबाद है जहाँ ज़राअत और मवेशी परवरी ही जिंदगी बसर करने का जरिया है। पिछड़े होने की वजह से इस इलाके के ज्यादातर लोग बिहार से बाहर रहकर ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन इमामगंज परखंड इलाके के सैलिया थाने के तहत पोखरी गांव के रहने वाले नौजवान राहत अली खान ने कुछ अलग करने का इरादा किया और अपने आबाई मकान में चमड़े के बैग मैन्युफैक्चरिंग की एक यूनिट की बुनियाद रखी। पहले राहत भी दीगर लोगों की तरह गांव से बाहर रहकर मुलाजमत करते थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने घर पर ही न सिर्फ अपने लिए रोजगार पैदा किया बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी जरिए माश के मौके पैदा किए। मेरा ये सेटअप लेडीज पर्स का है, रेक्सिन और लेदर दोनों में फैंसी लेडीज पर्स बनता है। एक दौर हुआ करता था 90 के दशक में जो कि ये इलाका की स्थिति ऐसी थी कि जो लोग यहाँ से प्लान कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और मुझे भी ऑप्शन था कि मैं गया ज़िला में ये काम शुरू करूँ, लेकिन मैंने अपने गांव को अपने घर को चुना जहाँ पे हम लोग अभी हैं। ये मेरा पुश्तैनी मकान है जो लगभग 100 साल पुराना है। कारीगर भी लगभग लोकल हैं, पहले जो कोलकाता दिल्ली चेन्नई में काम करते थे, अब उनको भी एक अच्छा अवसर मिला है जो अपने गाँव में अपने इलाके में वो काम कर सकें, उनको रोज़गार मिला है, वो पैसे कमा सकें। राहत अली की इस लेदर बैग बनाने वाली यूनिट में आसपास के दीगर लोग भी काम करते हैं। यहाँ पर काम करने वालों को इस बात की खुशी है कि उन्हें अब रोजगार की तलाश में गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और अपने अहले खाना के साथ रहकर रोजी रोटी कमा सकते हैं। पहले हम कलकत्ते में काम करते थे, अभी यहाँ पे मेरे घर के ही बगल में कारखाना खुला है तो अभी हम यहीं पे काम कर रहे हैं। अब हमको बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ रहा, परिवार के साथ रह रहे हैं। राहत अली की इस पहल से न सिर्फ उन्हें खुद बल्कि गांव के दीगर नौजवानों को भी रोजगार में असर आए हैं। अपनी फैक्ट्री में तैयार करदा मसनूआत को राहत अली बड़े शहरों के दुकानदारों को फरोख्त करती हैं, लिहाजा उनके खानदान में खुशबाश का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। आज योगा सूत्र में हम आचार्य प्रतिष्ठा से जानेंगे विरिचन गति क्या है और इस योग से हमें क्या फायदे हासिल होते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और हम सभी का जीवन में एक ही उद्देश्य है, दुखत्रह निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च। हम सब दुखों से निवृत्ति चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं और पहला सुख निरोगी काया, और इस काया को स्वस्थ रखने के लिए और साथ में मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित रूप से करनी होगी योग साधना। आज सीखते हैं एक ऐसी भारत योग की गति, एक ऐसी योग गति जो हमें दुर्गति से बचाती है, सदगति की ओर लेकर के जाती है और जिसका नाम ही है विरेचन गति। शास्त्र कहते हैं कि सर्व रोग मलाश्रय, सारे रोगों की जड़ मल है, बॉडी का वेस्ट है और इस वेस्ट को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। विरेचन गति हमारी सारी गंदगी को बाहर निकालती है, नासिका के माध्यम से यहाँ तक कि हमारी फेफड़ों की गंदगी को भी बाहर निकालती है। विरेचन गति को आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इस तरह से क्रॉस लेग्ड पोजीशन में भी कर सकते हैं या फिर वज्रासन में बैठ करके भी कर सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप इसे वज्रासन में करें, अदरवाइज सभी इसे जिस तरह से हम बैठे हैं ऐसे बैठ करके कर सकते हैं। हाथों की मुट्ठी बना लेंगे और अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। यहाँ पर है मनोवाह नाड़ियाँ, माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स। इन मनोवाह नाड़ियों पर हमें प्रेशर डालना है फोर्सफुल एक्सहेलेशन के साथ। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस स्थिति में आना, सांस भरते हुए हाथों को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। ऐसा कम से कम 50 बार आप करेंगे और फिर दोनों हाथों को खोलकर लंबा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, फिर से लंबा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना।
50 बार ऐसा करने के बाद सेकंड स्टेप में हम अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लेते हैं और सिर्फ लेफ्ट से इस ही क्रिया को दोहराते हैं। हर एक्सहेलेशन के साथ पेट का कॉन्ट्रैक्ट होना और फिर आप अगले स्टेप में अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर लेते हैं और राइट से एक्सहेल करते हैं। पचास बार ऐसा करने के बाद हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल्स यानी लेफ्ट से एक्सहेल किया, राइट से एक्सहेल किया। एक बार हम लेफ्ट से एक्सहेल करते हैं, एक बार हम राइट से एक्सहेल करते हैं। पचास बार ऐसा करने के बाद दोनों हाथों को खोलना, लंबा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना, तीन बार डीप ब्रीदिंग करना। विरेचन गति को आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं, निरापद क्रिया है, विच मीन्स नो साइड इफेक्ट प्रैक्टिस। हर एलिमेंट में, चाहे आपको डायबिटीज है, चाहे आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है या हाई रहता है, या अनेकानेक और समस्याएं, सब समस्याओं का समाधान है विरेचन गति। तो आप प्रतिदिन इसका अभ्यास करें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले इब्तिदा करेंगे रोजनामा हमारा समाज की। हमारा समाज के सफ़े अव्वल पर जो अहम सुर्खी है वो इस तरह है, भारत अमेरिका के माबैन दिफाई सनती तावुन पर इत्तफाक राय, डोभाल और अमरीकी वजीर दिफा ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फ़रोग देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। जायजा लेंगे रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल का, जिसने अहम सुर्खी इस तरह बनाई है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को एक मरतबा फिर तीसरी सरकर्दा यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल, नॉक की जानिब से A++ याफ्ता मरकजी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया JMI के लिए ये अमर 22 से फ़ख्र व इंसिबात है कि वज़ारत तालीम की नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 की आज जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक उसने इस मरतबा फिर मुल्क की तीसरी सरकर्दा यूनिवर्सिटी का एज़ाज़ हासिल किया है। मज़कूर अखबार की अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने उदेश राय कत्ल केस में उम्र कैद, MP MLA कोर्ट ने 1,00,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया, मुख्तार के वकील का हाई कोर्ट जाने का ऐलान। मज़कूर अखबार की एक और अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, बैनुल अक़वामी सफ़े पर मुतादद रेडियो स्टेशंस हैक, सदर पुतिन की जाली तकरीर नशर। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ चलेंगे बैनुल अक़वामी खबर की तरफ। जर्मनी के सहल में जारी जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत के नौजवान निशानेबाजों की शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा जारी है। भारतीय शूटर धनेश श्रीकांत ने मुकाबले के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप के मिक्स्ड टीम इवेंट में भारतीय टीम को कांसे के तमगे पर इत्तफाक करना पड़ा। हरमहर सिंह और संजना सूद की जोड़ी ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए तीसरी पोजीशन हासिल की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। इस टूर्नामेंट में मिन भारत की स्टार शटल PV सिंधु के साथ HS प्रणय, लक्ष्य सेन, साइना नेहवाल और कई दूसरे लीजेंड्स कोर्ट में उतरेंगे। मुकाबले के पहले ही राउंड में PV सिंधु का मुकाबला आलमी नंबर 1 जापान की अकाने यामागोची से होगा। मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में HS प्रणय का मुकाबला जापान के थर्ड सीड कोडाई नाराओका से होगा। मर्दों के सिंगल्स मुकाबले में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीनी ताइपे के 5वें सीड चाओतिंग चिन से होगा। दूसरी तरफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 के चांदी का तमगा जीतने वाले कदाम्बी श्रीकांत थाईलैंड के कांटाफोन वांगचारून से खेलेंगे। फ्रेंच ओपन के आज से शुरू होने वाले क्वार्टर फाइनल मैच में 17वीं बार क्वार्टर फाइनल
खेलने वाले नोवाक जोकोविच का मुकाबला रूस के कैरेन खचानोव्स के साथ होगा। जोकोविच ने चौथे राउंड के मैच में जान पॉल वेरिला को शिकस्त देकर आखिरी आठ में अपनी जगह बना ली है, जबकि खानचोव ने आखिरी 16 के मैच में लोरिनोजो सोनग्यू को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक और क्वार्टर फाइनल में यूनान के स्टीफेंसो सिटिपास का मुकाबला टॉप सीड 20 साल स्पेन के कार्लोस अल्कारिस से होगा। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल। इसी के साथ खबरनामा अपने अख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।